जी, मेरा नाम बरखा पटनायक है। हम लोग घर बचाओ आंदोलन से हैं। यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं सारे बस्तियों से हैं, 4.5 बस्तियों से हैं और अलग अलग बस्तियों से आए हैं। इनकी यही मांग है, जो जहाँ पर रह रहा है 20 से 30 सालों से, इनफैक्ट 50 सालों से जो जहाँ पर रह रहा है, उनको अभी तक पक्के घर नहीं मिले हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग यही है, कुछ महीने पहले सरकार ने आके ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ थी जिनको अतिक्रमण बोल के, प्राइवेट जगह बोलकर तोड़ के इनको वहाँ से निकाल दिया गया था, जबकि जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, विदाउट रिहैबिलिटेशन इनका पुनर्वसन, विदाउट पुनर्वसन इनको जो वहाँ से हटाया गया था। ये लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए थे, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, महिलाओं को शौचालय नहीं था, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, बिजली नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रही थी, सारे कनेक्शंस जो तोड़ के लेकर गए थे सरकार। अभी इनकी यही मांगे कि इनको इनके जो माल के हक जो चाहिए वो चाहिए, इनको परमानेंट होना। दूसरी चीज़ जो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी जिनको अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के वजह से बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है इनके तरफ। तो इनकी यही सारी मांगने हैं कि इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनको पक्के घर चाहिए। ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, कुछ कहीं कहीं पे 1000 परिवार रहते हैं, 500 परिवार रहते हैं। जो अभी पुट्टी बोरी जो अभी रिसेंटली जो तोड़ा गया है, जो अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो रेलवे की ज़मीन है, जबकि वहाँ पे घरकुल योजना लागू हो गई थी। लोग वहाँ पे 50 साल से रह रहे थे, घरकुल योजना में घर बना के रह रहे थे, तो भी उनके घर तोड़े गए। अभी अगर आप वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो लोग टेंट डाल के घर पे रह रहे थे, उनके पास और कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो सरकार से यही इनकी मांग है कि इनको पक्के घर अभी चाहिए। ये 1.5 सालों से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं,